कांता देवी के दो बेटे थे, जय और विजय। दोनों की अब शादी की उम्र हो गई थी, इसलिए कांता देवी आज उनके लिए लड़कियां देखने जा रही थी। जय विजय, चलो, लेट हो रहा है। आ गया माँ, आ गया माँ। तीनों लड़की वाले के घर पहुंचे। ये मेरी बेटी माया है और ये मेरे बड़े भाई की बेटी ममता। आपके बड़े भाई यहाँ नहीं है? वो सालों पहले चल बसे, ममता को भी मैंने ही पाला है। अच्छा है, तीनों बहनें साथ रहे, उससे अच्छा क्या होगा। मैं भी यही चाहता हूँ। दोनों परिवार खुश हो गए और सब ने मिठाई खाई। कुछ दिनों बाद विजय और ममता और जय और माया की शादी बड़े ही धूमधाम से हुई। दोनों परिवार बहुत खुश थे। शादी के बाद कांता देवी ने बहुत सारे रीति रिवाज किए, जैसे गांव वालों को दावत, गाना बजाना। शादी के दो दिन बाद अब सिर्फ एक ही रिवाज बचा है। वो क्या माँ? ब्राह्मणों को खाना खिलाना। और वो कब होगा? सोच रही हूँ कल ही रखूं, लेकिन बहू इस रिवाज का खास महत्व है। तुम दोनों को अपने हाथों से खाना बनाना है। जी माँ जी। ब्राह्मणों के भोग के दिन ममता जल्दी उठी। वो रसोई में गई और उसने काम करना शुरू कर दिया। माया बहुत देर बाद उठी। दीदी, आप तो जानती हैं कि मुझे ये सब करना बिल्कुल नहीं पसंद। अब आपने शुरू कर ही दिया है तो खत्म भी कर लीजिए। ममता को माया के ऐसे रवैये की आदत थी, क्योंकि माया शादी के पहले भी कोई काम नहीं करती थी। माया अपने कमरे में गई और श्रृंगार करने लगी और बेचारी ममता अकेले सारा काम करती रही। 3-4 घंटे बाद सारा काम खत्म हुआ। तुम अकेले यहाँ हो, माया कहाँ है? वो अभी अपने कमरे में गई हैं। अच्छा अच्छा। ममता माया की हर गलती छुपा लिया करती थी। कांता ने दो ब्राह्मणों का स्वागत किया। बहू, ब्राह्मण देव पधार चुके हैं। जी माँ जी। ये सुनते ही माया तुरंत रसोई में गई और ब्राह्मणों के लिए खाना परोसने लगी। ब्राह्मण देव, आरंभ कीजिए। ब्राह्मणों ने खाना शुरू किया। माया दोनों ब्राह्मणों को भोजन परोसती रही। उनका भोजन हो जाने के बाद, भोजन बहुत स्वादिष्ट था, किसी ने बड़ी निष्ठा से बनाया था। हाँ, मेरी दोनों बहुएं सुबह से मेहनत कर रही हैं। दोनों ब्राह्मणों ने एक दूसरे की ओर देखा। तो फिर इन्हें आशीर्वाद भी इनकी निष्ठा के हिसाब से ही मिलना चाहिए। ब्राह्मण ने जादू से दो फूल प्रकट किए। एक फूल ममता को दिया और एक फूल माया को। और फिर दूसरे ब्राह्मण ने कुछ मंत्र पढ़े और तुरंत ममता के फूल से जादुई धुआं निकलने लगा, जो उसके गले में हार बन गया। धन्यवाद। फिर माया के भी फूल से धुआं निकला, लेकिन वो हार नहीं बना बल्कि वो मूछें बन गई। अरे अरे, ये क्या हो रहा है? ब्राह्मण देव दोनों हंस रहे थे। महाराज, ये क्या है? ये निष्ठा का फल है। कांता, तुम्हारी सिर्फ एक बहू ने सारा भोजन बनाया था और दूसरी सिर्फ श्रृंगार कर रही थी। कांता गुस्से से माया की ओर देखने लगी। महाराज, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं आगे से ऐसा कभी नहीं करूंगी। ममता, तुम बहुत निर्मल हो, लेकिन याद रहे, दूसरों से हमेशा दबोगी तो वो तुम्हें दबाएंगे। मुझे माफ कर दीजिए। इस बार हम तुम्हें माफ कर रहे हैं, लेकिन आइंदा ऐसा मत करना। दूसरों की प्रशंसा लूटना अपराध है। ब्राह्मणों ने अपना जादू उलट दिया। माया की मूछें गायब हो गईं और दोनों ब्राह्मण वहां से चले गए। एक गांव में बबलू नाम का एक लड़का रहता था। बबलू अनाथ था। वो गांव वालों की भैंस, गाय, बकरियां चराता था। बदले में गांव वाले बबलू को तीज त्योहार पर घर बुलाकर
खाने को मिठाई वगैरह दे दिया करते थे। बबलू मिठाई खाकर खुश रहता और जानवरों को चलाते हुए जंगल में बैठा बांसुरी बजाता रहता था। एक दिन गांव में वसंत पंचमी का उत्सव था। उस दिन बबलू को ढेर सारी मिठाइयां मिली। जब बबलू जंगल में बैठकर मिठाई खा रहा था तो एक बूढ़ा आदमी बबलू के पास आया। बेटा, 3-4 दिन से भूखा हूँ, कुछ भी नहीं खाया है, थोड़ी मिठाई मुझे भी दे दो। बबलू ने अपनी आधी मिठाई उस बूढ़े आदमी को दे दी। जैसे ही आदमी हाथ में मिठाई लेता है, वो एक वन देवता में बदल जाता है। तुम बहुत दयालु हो बबलू, तुमने बिना सोचे समझे अपनी आधी मिठाई मुझे दे दी। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। मैं तुम्हें 4 चीजें देता हूँ जो मुसीबत के समय तुम्हारे काम आएंगी। वन देवता बबलू को 3 टोकरियां देते हैं। पहली टोकरी में आंधी और तूफान है, दूसरी टोकरी में बारिश और ओले हैं, तीसरी टोकरी में आग है। ऐसा कहकर वन देवता गायब हो जाते हैं। वन देवता ने तो कहा था कि वो मुझे 4 चीजें देंगे, चलो कोई बात नहीं, 3 चीजें ही काफी हैं। बबलू अपने पास बची पूरी मिठाई नहीं खा पाता है और मिठाई को जमीन में गाड़ कर चला जाता है। जब बबलू अगले दिन उस जगह पर आता है तो वह देखता है कि जहाँ उसने मिठाइयाँ गाड़ी थी वहाँ एक मिठाई का पेड़ उगाया है जिस पर ढेर सारी मिठाइयाँ लगी हुई हैं। लगता है ये वन देवता का 4th इनाम है। बबलू पेड़ पर चढ़ जाता है और मिठाई खाने लगता है। उसी समय जंगल से एक बूढ़ी राक्षसी गुजर रही थी। उसने बबलू को देख लिया। अरे, आज तो बहुत बढ़िया शिकार मिला है, इसकी तो मैं मसालेदार सब्जी बनाकर खाऊंगी, लेकिन पहले इसे पेड़ से नीचे उतारना होगा। बूढ़ी राक्षसी एक सुंदर औरत का रूप धारण करके मिठाई के पेड़ के पास जाती है और बबलू से कहती है, अरे बबलू बेटा, पेड़ पर इतनी मिठाई लगी हुई है, अगर तू थोड़ी मिठाई तोड़कर मुझे भी दे देता तो मैं भी खा लेती। मैं मिठाई नीचे फेंक देता हूँ, तुम खा लेना। अरे बेटा, अगर तू मिठाई तोड़कर नीचे फेंकेगा तो मिठाई गंदी हो जाएगी। तो तुम अपना आंचल फैला लो, मैं उसमें फेंक देता हूँ। बेटा, मेरा आंचल गंदा हो जाएगा, उसमें से महक आने लगेगी, तो थोड़ी मिठाई मुझे नीचे उतर कर दे दे। बबलू बूढ़ी राक्षसी के छल कपट को नहीं समझ पाता। जैसे ही वो पेड़ से नीचे उतरता है, बूढ़ी राक्षसी अपने असली रूप में आ जाती है और बबलू को एक बोरे में बंद कर लेती है। वो बबलू को बोरे में बंद करके अपने घर ले जाती है। सुन चंदा, इस बोरी में मैं शिकार पकड़ कर लाई हूँ, इसको पहले बांध दे, फिर इसका सिर काट दे और इसकी सब्जी बना लेना खूब मसाले डालकर। मैं अभी नहा कर आती हूँ। बूढ़ी राक्षसी नहाने चली जाती है। लड़की जब बोरा खोलती है तो वो देखती है कि उसमें बबलू नाम का एक सुंदर लड़का है। लड़की को बबलू के ऊपर दया आ जाती है। दोनों में कुछ देर बातचीत होती है। ये राक्षसी मेरी कोई नहीं है, कई साल पहले ये गांव से मेरी माँ को पकड़ कर लाई थी। मैं उस समय अपनी माँ के पेट में थी, वहीं पर मेरा जन्म हुआ। राक्षसी मेरी माँ को खा गई और इसने मुझे अपना गुलाम बना लिया। ये मुझसे अपने घर के सारे काम करवाती है। बबलू और चंदा मिलकर राक्षसी के घर से भाग जाते हैं। जब राक्षसी नहा कर लौटती है तो देखती है कि चंदा और वो लड़का दोनों गायब हैं। लगता है दोनों मिलकर भाग गए। राक्षसी उनके पीछे पीछे जाती, चंदा पीछे मुड़ कर देखती है
राक्षसी तो हमारे पीछे आ रही है, अब क्या करें? तभी बबलू को वन देवता की दी गई 3 टोकरियां ध्यान आती हैं। तुम चिंता मत करो, मैं अभी इस राक्षसी को भगाता हूँ। बबलू सबसे पहले आंधी और तूफान की टोकरी खोलता है, लेकिन तेज आंधी और तूफान के बीच भी राक्षसी हार नहीं मानती। वो उन दोनों का पीछा करती रहती है। लगता है ये ऐसे नहीं मानेगी। फिर बबलू बरसात और ओले की टोकरी खोलता है। राक्षसी घायल हो जाती है, लेकिन फिर भी पीछा करना नहीं छोड़ती। बबलू और चंदा भागते भागते गांव पहुंच जाते हैं। गांव वाले उनके पास आते हैं और उनसे पूछते हैं, क्या हुआ बच्चों, क्यों भाग रहे हो? बूढ़ी राक्षसी हमें मारने के लिए हमारा पीछा कर रही है। अरे हम सब भी राक्षसी की आतंक से बहुत परेशान हैं। चंदा, अब मजबूरी में हमें इस राक्षसी को मारना ही पड़ेगा। गांव वाले भी इससे परेशान हैं, और अगर हम इसे नहीं मारते हैं तो ये हमें मार डालेगी। तो बबलू अंत में आग की टोकरी खोल देता है। बूढ़ी राक्षसी जलकर मर जाती है। तभी गांव के मुखिया भी वहां पहुंचते हैं। बच्चों, तुमने बहुत अच्छा काम किया है, गांव वालों को बूढ़ी राक्षसी से मुक्त करा दिया। वो अक्सर हमारे जानवर खा जाया करती थी। इनाम के रूप में मैं तुम्हें एक घर दे रहा हूँ। गांव वाले बबलू और चंदा की शादी करा देते हैं। फिर बबलू और चंदा घर बसाकर खुशी खुशी रहने लगते हैं।